तो आज बात करेंगे पासपोर्ट के पेज के बारे में कि काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया था पिछले कुछ महीनों में कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि सजाद भाई जरा ये बता दीजिए कि 36 पेज का जो पासपोर्ट होता है वो बनवाना सही है या 60 पेज वाला पासपोर्ट बनवाना सही है। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप जॉब्स के लिए जा रहे हो तो आपको कौन सा पासपोर्ट चाहिए, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको कौन सा पासपोर्ट चाहिए। तो इस वीडियो को स्किप करना और एंड तक जरूर देखना जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं ऑलरेडी पासपोर्ट पे वीडियो बना दिया हूं जिसमें मैंने आपको यह बताया कि ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या फर्क है, अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन पे देता हूं जाकर के देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें सहजाद दीवाना चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मिल पाए हमारी वीडियो बिना किसी रोक टोक के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सहजाद और आप देख रहे हो सहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया था तो मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बना देते हैं और इस तरह से समझाएंगे कि यहां पर आपको सेट हो जाएगा कि भाई हमें कौन सा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, 36 पेज वाला या 60 पेज वाला। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई आजकल लाइक्स कम आ रहे हैं, ठीक है, मुझे आपको याद दिलाना पड़ रहा है, तो भाई लाइक का बटन दबाया करो और मेरा भी हौसला बढ़ाया करो। तो चलते हैं मेन पॉइंट की ओर कि जो पासपोर्ट 36 पेज का है उसमें और जो 60 पेज में है उसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई पासपोर्ट का जो अहमियत है उसमें इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, फ़र्क है इसमें तो सिर्फ पेज का, यानी जो 36 पेज का जो पासपोर्ट है उसमें हमें 33 पेज क्लियर मिलता है। यानी कि किस लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये मैं जब भी एग्जिट किया हूँ या इंट्री किया हूँ जैसे सऊदी दुबई, इसके लिए और मेरा वीज़ा जो है, एक मिनट ये भी दिखा देता हूँ, और ये जो मेरा वीज़ा है ये लगा है। तो इस पेज का काम यही रहता है कि भाई वीज़ा के लिए और इमिग्रेशन का जो स्टंप होता है उसके लिए इनका काम रहता है। अब रह गई बात जो पासपोर्ट 36 पेज का है उसमें आपको 33 पेज मिलते हैं और जो 60 पेज का है उसमें आपको 57 पेज क्लियर मिल जाते हैं जिसमें आपका वीज़ा लगेगा और इमिग्रेशन स्टंप होगा, ठीक है। ये तो आप समझ लिए कि भाई इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है तो पेज का फर्क है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर कि भाई इसमें जो बनवाने का खर्च आता है 36 पेज का ऑलमोस्ट ये 1500 रुपए के आसपास आता है, ठीक है, और वो जो 60 पेज वाला पासपोर्ट है उसका आपका 2000 के आसपास पड़ जाएगा। तो बस इसमें सिर्फ 500 रुपए का फर्क पड़ता है, 500 से 700 का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आप समझ गए कि भाई पेज का फर्क होता है और बनवाने में आपको 500 से 700 रुपए का फर्क होता है। अब चलते हैं मेन पॉइंट की ओर कि आपको कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाहिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में समझा दूं, जैसे कि मैं कुछ कंट्री में काम किया हूं उसके अनुसार मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाहिए। जैसे देखिए सऊदी का, तो सऊदी का मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सऊदी एक ऐसा कंट्री है कि वहाँ पर आप जाइएगा ना तो वहाँ क्या होगा, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ मुझे वीज़ा निकालने दो। वहाँ पर क्या होता है कि ये वीज़ा जो है ना तो वो एक ही पेज पे लगेगा और ये लाइफ टाइम के लिए समझ लीजिए कि जितना दिन आप सऊदी में रहोगे तो एक ही पेज पर लगा रहेगा। और इस पासपोर्ट का काम कब पड़ेगा, जब वहाँ से आप इंट्री करोगे या एग्जिट करोगे तब इसका काम पड़ेगा, बाकी का काम ये सिविल आईडी करता है। तो ये सिविल आईडी करता है यानी वहाँ का जो समझ लीजिए कि एक तरह का आधार कार्ड है। तो इसको ही हम एक एक साल पर रेन्यूअल कराते हैं, एक साल का बनता है, दो साल का बनता है, ठीक है, इसको ही हम रेन्यूअल कराते हैं। इससे क्या होता है कि भाई आपका सिर्फ ये चेंज हो गया, यानी कि आपके पासपोर्ट पर एक ही वीजा लगेगा, आप चाहे 5 साल रहो या 10 साल रहो, एक कंपनी में गए हो सऊदी अरब तो एक ही वीजा लगेगा। लेकिन यही रूल आपको चेंज हो जाता है कुवैत में। कुवैत में क्या था कि जब मैं वहां पर गया था तब पहले मेरा एक इंट्री वीजा लगा, उसके बाद मैं वहाँ गया तो मेरा एक और वीज़ा लगा 1 साल का, उसके बाद फिर 3 महीने का लगा, फिर उसके बाद 1 साल का लगा, फिर 3 महीने का लगा। तो ऐसे क्या हुआ, मेरे पासपोर्ट
का जो 6-7 पेज है वो यूज हो चुका था। यानी कुछ कंट्री का रूल है कि सिर्फ ये हकामा रेनुअल होता है, और कुछ कंट्री का रूल है कि भाई हकामा भी रेनुअल होगा, साथ ही साथ आपका वीजा भी पासपोर्ट पर लगेगा। फिर भी आपका जो ये 36 पेज वाला है वो इनफ है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, फिर भी आपका ये पासपोर्ट इनफ है, यानी 36 पेज वाला आपके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं 60 पेज वाला कि भाई आपको ये 60 पेज वाला कब अप्लाई करना चाहिए। अगर आप जॉब्स के लिए जाना चाहते हो, यानी शटडाउन जो होता है, तो शटडाउन में यही रहता है कि आप किसी भी कंट्री में जाओगे ना, तो आपका 3 महीने का, 6 महीने का या 9 महीने का ऐसे शटडाउन चलता है। तो शटडाउन में आप जाइएगा तो मान लीजिए यहाँ से गए, एक वीजा लगा, फिर 3 महीने में वापस आए, फिर किसी दूसरे कंट्री में गए, फिर वीजा लगा, फिर 3 महीने में वापस गए। तो इसमें क्या होगा, जब एंट्री कीजिएगा, फिर से आउट कीजिएगा, तो वो तो इमिग्रेशन का स्टंप लगेगा ही, साथ ही साथ आपका वीजा भी लगता जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका पेज भरता जाएगा। तो उन लोगों के लिए परफेक्ट है 60 पेज वाला। और अगर आप ट्रेवलिंग करते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी अमेरिका ही गए, वहाँ पर 1 वीक रुके, फिर मान लीजिए कि जर्मन चले गए, वहाँ पर 1 वीक रुके, या आप ट्रेवलिंग कर रहे हो कंटिन्यू, यानी इस कंट्री से उस कंट्री, उस कंट्री से उस कंट्री, तो 60 पेज वाला पासपोर्ट बनवाना चाहिए, ठीक। और इस वीडियो में मैं आपको समझा भी दिया कि शटडाउन के लिए आपको कौन सा पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए। तो भाई क्लियर हो गए आप लोग कि आपको कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाहिए। एक बार फिर से आपको मैं रिपीट करता हूँ कि लॉन्ग टर्म जॉब के लिए जाते हो किसी भी कंट्री में, सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, किसी भी कंट्री में, अगर एक ही कंपनी में कंटिन्यू रहोगे 2-4 साल 5 साल, तो आपके लिए इनफ रहेगा 36 पेज वाला पासपोर्ट। अगर शटडाउन में जा रहे हो तो भाई कोशिश करना कि 60 पेज वाला पासपोर्ट बनवा लो, इसलिए कि इन आउट होता रहता है, आपको 10 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा पासपोर्ट परफेक्ट रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर देना, और साथ ही साथ अगर मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो रेड कलर का जो बटन दिया गया है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं इन फ्यूचर आपको आसानी से मिल जाए। और प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, इसलिए कि काफी इस टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वीजा कैसे मिलता है, वीजा कैसे अप्लाई करें, कौन सा पासपोर्ट चाहिए, ये टोटल डिटेल्स में समझाया हूं, आप एक बार जाकर चेक तो करो, ठीक है। तो हर बार की तरह मैं कहता हूं, सुनो सबकी, करो अपने दिल की, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टेक केयर।